हे गाइस, कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ कुछ न्यू एनीमे अपडेट्स के साथ, न्यूज के साथ, उसके साथ नारुतो शिपुडन का भी अपडेट है जो सुकाइसन की मूवी के ऊपर, और योकाई वॉच के ऊपर भी मैंने कल अपडेट नहीं दिया था। बहुत सारे से एनिमेज के ऊपर मैं अपडेट लेके आ चुका हूँ, और सोलो लिविंग ने तो फाड़ रखा है एनिमे जो भी आया है, सब कुछ बताऊंगा उसका अपडेट देने से पहले। एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मतलब 71% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जो एनिमे न्यूज सुनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं फर्स्ट एनिमे अपडेट की जो निकल के आ रहा है हंटर एक्स हंटर की तरफ से। तो गाइस, हंटर एक्स हंटर की एक न्यू गेम की अनाउंसमेंट हो चुकी है, और उस न्यू गेम का नाम है न्यू इंपैक्ट, एक फाइटिंग गेम होने वाला है। तो लिटरली यार, हंटर एक्स हंटर एक न्यू गेम मतलब ला रहा है, और जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और बात कर रहे थे हमारे दूसरे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है हमारे योकाई वॉच एनिमे की तरफ से। तो गाइस, योकाई वॉच एनिमे को स्टार्ट कर दिया गया है दिखाना, वो भी एनिमेक्स इंडिया के ऊपर। तो एनिमेक्स इंडिया के ऊपर योकाई वॉच को दिखाया जा रहा है। और बात कर रहे थे हमारे तीसरे खतरनाक अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है सोलो लिव लिविंग एनिमे के ऊपर। हाँ गाइस, कल सोलो लिव लिविंग एनिमे को वर्ल्ड वाइड दिखाया गया था, उसका फर्स्ट एपिसोड आग लगा दिया यार। हिंदी डब में उसका फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आप लोग जाके देख सकते हो। लिटिल यार मतलब स्पॉइल तो मैं नहीं करना चाहता उसके अंदर हर एक चीज के बारे में, तो जाके आप लोग फर्स्ट एपिसोड को क्रंची रोल के ऊपर देख सकते हो। और जब उसके फर्स्ट एपिसोड को दिखाया गया ना, लिटरली भाई कुछ देर के लिए क्रंची रोल के ऊपर सोलो लिव लिविंग एनिमे ना वो क्रैश हो गया यार। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ मतलब देर के लिए वो क्रैश हो गया था, फिर से क्रंची रोल उसे ठीक कर दिया। लेकिन क्या बताऊं, सोलो लिविंग की इतनी हाई बनी हुई थी, मुझे भी नहीं पता था। लिटरली मतलब उसे क्रैश होना पड़ा क्रंची रोल के ऊपर, बहुत बड़ी बात है। तो जाके आप लोग एक बार वॉच आउट करना, बहुत अमेजिंग एनिमे है, मतलब स्पॉइल तो नहीं कर सकता, जाके एक बार देख लो यार, मतलब हिंदी डब में आ चुका है। बात कर लेते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है पोकेमोन कंपनी की तरफ से। तो आपको पता होगा कि हाल ही में जापान के अंदर एक अर्थ क्यूब आया था, और अर्थ क्यूब की वजह से बहुत सारी चीजें वहां तबाह हो गई थी। तो गाइस, उसे ठीक करने के लिए हमारे मतलब पोकेमोन कंपनी ने कुछ पैसे डोनेट किए, यानी कि 50 मिलियन येन उन्होंने डोनेट किए। और लिटरली जापान के अंदर कोई ऐसा हादसा कभी भी ना हो, क्योंकि भाई अर्थ क्यूब का आता है तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो लिटरली ऐसे कोई हादसा कभी भी ना हो जापान के अंदर, और वहां के सब लोग ठीक रहे, और लिटरली यार मैं यही दुआ करता हूं। बात कर लेते हैं नारुतो शिपुडन के एक अपडेट के बारे में जो हर जगह फैल रहा है, यानी कि नारुतो शिपुडन का समर का प्रोमो आ चुका है बोल के हर जगह फैलाया जा रहा है। और लिटरली वो एक फेक प्रोमो है, आप लोग सही सुन रहे हो, वो एक फेक प्रोमो है। और मुझे हर बंदा मेंशन कर रहा है कि भाई ये क्या फेक है, रियल है? तो लिटरली वो एक फेक प्रोमो है जिसके अंदर मतलब समर में मतलब आ रहा है वगैरह वगैरह। लिटरली हाँ, नारुतो शिपुडन समर के अंदर आ रहा है, लेकिन उसका कोई भी प्रोमो अब तक नहीं आया है। तो इसे फेक प्रोमो से बचो, और वो सोने का लोगो लगा के आप लोगों को लोग मतलब हूतिया बना रहे तो उनसे बच के रहेगा। और एक अपडेट भी नारुतो शिपुडन के ऊपर ही है, और गाइस वो अपडेट है नारुतो शिपुडन के सेंसरशिप के ऊपर लेके। तो मैं आपको बता दूं, अब से मतलब अब से कुछ साल पहले यूएसए के अंदर मतलब नारुतो शिपुडन को दिखाया गया था, लेकिन वहां इतनी अनसेंसर्ड चीजें दिखाई गई जिसकी वजह से वहां मतलब यूएसए के अंदर नारुतो शिपुडन को एक बार बैन कर दिया गया था। उसके बाद बहुत सारे सेंसरशिप करके ही यूएसए के अंदर नारुतो शिपुडन को दिखाया गया था। तो सोनिया के ऊपर नारुतो शिपुडन को बहुत ज्यादा सेंसरशिप करके दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। और डिटेल उसके लिए आप लोग तैयार रहना, और नारुतो शिपुडन की रिलीज डेट मुझे मत पूछना, आपको जब प्रोमो आएगा जब आपको पता चल जाएगा। तो लिटरली सोने के ऊपर ही वो आ रहा है, और बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे कि भाई कितने लैंग्वेजेस के अंदर मतलब आएगा। तो जितने नारुतो मतलब जो नारुतो आया था ना हमारा ओजी नारुतो, वो कितने लैंग्वेजेस के अंदर आया था नारुतो, मतलब तमिल, तेलुगु, बंगाली, मतलब हिंदी, और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस के अंदर आया था। तो इतने ही लैंग्वेजेस के अंदर हमारा नारुतो शिपुडन आने वाला है। अब बात कर रहे थे हमारे और एक एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है वन पीस की तरफ से। तो गाइस, आप सभी लोगों को पता होगा कि वन पीस का एक मतलब आर्क आने वाला है जिसका नाम है एक हेड आर्क। और लिटरली वो आर्क को आज दिखाया जाने वाला है, उसके साथ साथ उसे नेटफ्लिक्स के ऊपर 13 जनवरी से दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। तो 13 जनवरी को हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर दिखाया जाएगा, और आज आप लोग क्रंची रोल के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। तो जाके एंजॉय करो, और एड है का आर का मतलब मजे लो, आज का उसका फर्स्ट एपिसोड आने वाला। तो जाके आप लोग एक बार मतलब वॉच आउट करो, और हम लोग भी वॉच आउट करेंगे। अब चलते और एक अपडेट की तरफ। तो गाइस, ये निकल के आ रहा है जुजुत्सु काइसन की तरफ, यानी कि जेजेके फैंस के लिए, जो तेलुगु फैंस है उनके लिए बहुत बढ़िया न्यूज है। तो गाइस, आपके लिए मतलब सीजन 2 तेलुगु में डब हो चुका है, यानी कि उसका फर्स्ट एपिसोड क्रंची रोल के ऊपर आ चुका है। तो जाके आप लोग वॉच आउट कर सकते हो, जो भी तेलुगु फैन है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। चलते हमारे लास्ट और एक मेन अपडेट की तरफ जो निकल के आ रहा है जुजुत्सु काइसन की तरफ से। तो गाइस, क्या जुजुत्सु काइसन की न्यू मूवी आने वाली है? क्योंकि हाल ही में एक पोस्टर हर जगह मतलब फैल रहा है कि भाई जुजुत्सु काइसन की एक मूवी आने वाली है, वो भी ज़ेनन तोजी के ऊपर। हाँ गाइस, मतलब वो जो पोस्टर है आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर लिखा है कि द न्यू स्टोरी ऑफ ज़ेनन तोजी। तो क्या मतलब रियली में हमें तोजी की मतलब एक मूवी देखने के लिए मिलेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, एक फेक न्यूज है, फैन मेड पोस्टर है। मैं आपको बता दूं कि तोजी की कोई कहानी नहीं देखने के लिए मिलेगी। मापा स्टूडियो ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, तो मापा पैसे छापने के लिए पहले ही अनाउंसमेंट कर देता, लेकिन कोई ऐसी मतलब कोई अपडेट निकल के नहीं
नहीं आया कि कोई मूवी आने वाली है, बोले कि एक फैन मेड पोस्टर है, तो इसके जाल में कभी भी मत फंसिएगा। और लिटरली मैं आपको बता दूं, अगर मूवी आएगी तो जो मुझे मूवी देखना है ना भाई, वो तो मतलब एक खतरनाक मूवी हमें देखना है। और वो मूवी कौन सी है आपको पता ही है, सातोरू गोजो वर्सेस हमारे इटाडोरी, मतलब इटाडोरी नहीं भाई, मतलब सुकुना भैया की, मतलब वो मूवी हमें देखनी है। बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें हमें देखनी है जो आगे जाके हमें देखने के लिए मिल सकती है। आपका क्या है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो, ऐसे आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस और बहुत सारे से एनिमे न्यूज़ लाता रहूंगा। मित्रेंगे ऐसे इंटरेस्टेड के अंदर जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई, और सब्सक्राइब कर लेना।